हाय गाइस, यहाँ पे Realme GT Master Edition को लेकर काफ़ी सारे यूज़र एक्साइटेड है कि इस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आ सकता है एंड क्या कुछ फीचर होंगे इंडिया के अंदर। वैसे फीचर की रिगार्डिंग तो मैंने आपको कई सारे वीडियो के अंदर इन्फॉर्म किया है कि क्या कुछ फीचर हमें इंडियन वेरियंट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और वैसे आज यहाँ पर प्राइजिंग को लेकर भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, GT Master Edition की इंडियन प्राइजिंग लीक होकर बाहर आ रही है कि इस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आने वाला है। आज हम लोग इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। चलिए टू बी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने इस वीडियो के अंदर आपके मन के मुताबिक लैग टारगेट रखा है, जितना चाहो कर सकते हो। मेरा मतलब है कि कोई भी लैग टारगेट यहाँ पे मैंने सेट नहीं किया है, बट प्लीज़ यार आपको एक लैग जरूर से कर देना है। और अब चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग GT Master Edition की कुछ हाईलाइटेड फीचर को लेकर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्राइजिंग के ऊपर आते हैं ताकि आपको फीचर के अकॉर्डिंग प्राइजिंग कैसे होने वाली है वो पता चल सके। सबसे पहले हम लोग ये स्मार्टफोन की लुक एंड बिल्ड क्वालिटी को लेकर बात करते हैं। तो ये स्मार्टफोन दो बिल्ड क्वालिटी के साथ आने वाला है। पहला लेदर फिनिश के साथ होगा एंड सूटकेस वाली डिजाइनिंग होगी, एंड दूसरा जो है वो ग्लास बैक के साथ आने वाला है एंड प्लेन डिजाइनिंग होगी। बाकी जो ग्लास बैक के साथ होंगे उसमें हमें दो कलर वेरिएंट देखने को मिलेंगे, ब्लैक एंड वाइट। एंड जो लेदर फिनिश के साथ होगा उसमें हमें ओनली सिंगल कलर वेरिएंट ही देखने को मिलने वाला है, जो कि ग्रेस कुछ इस तरीके से। बाकी डिस्प्ले को लेकर बात करें तो 6.43 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज़ की हाईर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा एंड 360 हर्ट्ज़ के टच सेंटीग्रेड के साथ आने वाला है। एंड रियर पे हमें ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया जाएगा, 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर, 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर। फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल की लिफ्ट पंच होल कोडोर के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा एंड 4300 एमएएच की बैटरी के साथ ही आने वाला है, जहाँ पे 65 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट होगा। हालांकि यहाँ पे बैटरी में थोड़ी सी कम की गई है क्योंकि ये स्मार्टफोन को लाइट वेट एंड स्लिम बनाने की कोशिश की गई है, तो हाँ बैटरी इमेज को लेकर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। बाकी यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्मार्टफोन क्वालकम स्नैपड्रैगन 778G के 5G पावरफुल लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ आने वाला है, तो हाँ परफॉर्मेंस यहाँ पे ठीक ठाक मिलने वाली है। एंटूटु बेंचमार्क स्कोर 541,000 के ऊपर जाती है एंड 6 नैनोमीटर के साथ होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें 8 5G बैंड का सपोर्ट दिया जाएगा, साथ ही 5GB की वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट होगा। एंड स्पीकर को लेकर अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बाकी दो रैम रोम वेरिएंट होंगे 8/128 एंड 8/256GB। तो ये कुछ हाईलाइटेड फीचर हमें Realme GT Master Edition के साथ देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे लीक हुई इंडियन प्राइजिंग की बात करें, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लेदर बैग के साथ होगा उसकी प्राइजिंग हमें थोड़ी सी अलग देखने को मिलने वाली है एंड जो ग्लास बैग के साथ होगा उसकी प्राइजिंग हमें थोड़ी सी अलग देखने को मिलने वाली है। लेकिन जो प्राइजिंग लीक होकर बाहर आई है उसमें ये नहीं बताया गया है कि ये कौन से वर्जन की प्राइजिंग है, बट मेरे ख्याल से ये लेदर वर्जन की ही प्राइजिंग बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो 8/128GB की जो इंडियन प्राइजिंग हो सकती है वो यहाँ पे लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है 25,999 रुपीज़। बाकी जो 8/256GB वाला वेरियंट होगा उसकी प्राइजिंग 27,999 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से लेदर एडिशन की प्राइजिंग बताई जा रही है। बाकी जो ग्लास बैग के साथ होगा उसकी प्राइजिंग आई थिंक मेरे ख्याल से 33,000 और 34,000 के आसपास से स्टार्ट हो सकता है, बट देखते हैं ऑफिशियली प्राइजिंग क्या होती है क्योंकि लीक हुई प्राइजिंग भी काफ़ी हद तक सच होती है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इस प्राइज पॉइंट के आसपास ही हमें ऑफिशियली प्राइजिंग देखने को मिले। बट आपका क्या ओपिनियन होता है इस प्राइजिंग को लेकर एंड ये स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन को लेकर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।